हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पे आ गई है फाइनली Redmi Note 8 Pro के लिए। एक बार फिर से Android 10 का MIUI 11 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है और मैंने इसको अपडेट कर लिया है। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ किस तरीके से अपडेट करना है अगर आपके में अपडेट नहीं आया है, साथ साथ क्या नया आपको इस अपडेट में देखने को मिलेगा Android 10 के अलावा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन दबा दो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। और इससे इंटरेस्टिंग बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, देख सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको MIUI 12 इंस्टॉल करना है Redmi Note 8 Pro में, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, जाके आप देख सकते हो। तो यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले तो मैंने इसको लेटेस्ट अपडेट में अपडेट ऑलरेडी कर लिया है जो कि है MIUI 11.0.3.0। अब हो सकता है आपके फोन में यार कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल हो या हो सकता है आपके में 11.4.0 इंस्टॉल हो, तो यार ये बिल्कुल नया अपडेट है, कोई डाउनग्रेड वगैरह नहीं हो रहा है, एंड्रॉइड 10 का फुल अपडेट मिलता है। अगर आपके अपडेटर ऐप में शो कर रहा है, आप यहां पे चेक फॉर अपडेट में करके देख सकते हो, शो कर रहा है तो अपडेट तुरंत कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी के अलावा अगर अपडेट शो नहीं कर रहा है तो मैंने आपको लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फाइल को डाउनलोड करके यहां पे अपडेटर ऐप में आओगे, 11 वाले आइकन पे 11 बार आपको टैप करना होगा और आपको एडिशनल अपडेट का फीचर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप ये 3 डॉट में चूज अपडेट पैकेज में जाके जहां भी आपने वो फाइल को डाउनलोड सेव करके रखा है उसको सेलेक्ट करना है, ओके दबाना है और आपका फोन अपडेट हो जाएगा। फिलहाल ये रोल आउट हो गया है सभी के डिवाइसेस के लिए, तो जितना जल्दी आप जाके कर सकते हो कर लो और आपका अपडेट हो जाएगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले तो चेंज लॉक की, जो आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे चेंज लॉक दिखा दूं तो सबसे पहले आप देख पाओगे वी आर कंपेटिबल विद नेटफ्लिक्स HD स्टैंडर्ड नाउ। तो फाइनली यहां पे नेटफ्लिक्स HD का जो भी बग था कि नहीं आ रहा था उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। और फिलहाल तो मेरे पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं है टेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपको DRM इन्फो में यहां पे दिखा दे रहा हूं कि नेटफ्लिक्स आपको यहां पे HD में मिल जाएगा क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी लेवल वाइडवाइन L1 हो गया है फाइनली और रिबूट वगैरह का कोई इशू नहीं आ रहा है। मैंने प्राइम वीडियो में भी चेक करा, उसके अंदर तो अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो फाइनली नेटफ्लिक्स HD में आपको यहां पे देखने को मिल जाता है जो कि एक काफी अच्छी चीज यहां पे हो गई है। उसी के अलावा अगर हम चलें यहां पे और देख लेते हैं क्या मिलता है, और इसमें लिखा हुआ है अगर आपके में नेटफ्लिक्स HD में नहीं आ रहा है तो एक बार अपने नेटफ्लिक्स को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो तो आपकी सारी भी जितनी भी प्रॉब्लम है ना सब सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद एक बार रीबूट भी कर लेना अपने फोन को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। उसी के अलावा आप यहां पे देख सकते हो अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल टू मई 2020 लिखा हुआ है। और यहां पे आपको इससे अच्छी चीज ये है कि यार यहां पे कहीं मेंशन नहीं करा है कि आपको ये एंड्रॉइड 10 की अपडेट है आपके रेडमी नोट 8 प्रो के लिए इंडियन स्टेबल। तो ये यार शाओमी का बड़प्पन है, देते नहीं है वो, बताते नहीं है क्या मिला है ना। तो आप देख सकते हो Android 10 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे ऑफिशियल स्टेबल देखने को मिलता है। नीचे आप देख सकते हो लेटेस्ट Android सिक्योरिटी पैच 5.1 का देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ तो चेंज लॉग में हो गई जो आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे पूछोगे कि क्या चेंज आया है, तो मैं कहूँगा डिट्टो कुछ भी चेंज नहीं आया है, Android 10 हो चाहे Android 9 हो, MIUI तो MIUI है, ज़्यादा चेंज आप एक्सपेक्ट मत करना। हालांकि कुछ चेंजेस की बात करें तो जैसे अब यहाँ पे आप जाओगे डिस्प्ले के अंदर तो डार्क मोड में आपको यहाँ पे फुल डार्क मोड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप इसको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाके जैसे ही आप डार्क मोड को अनेबल करते हो तो आपको यहां पे जाना होगा अबाउट फोन में और MIUI वर्जन पे आपको टैप करना होगा जब तक यहां पे ये लिखा ना हुआ आ जाए नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। आप थोड़ा सा बैक आओगे सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में जाओगे, डेवलपर ऑप्शन में जाओगे तो इसके अंदर आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओवरराइड आपको यहां पे करने का, जिसमें आपको डार्क मोड फुल टू हर जगह जितने भी ऐप है सब में देखने को मिल जाता है जो कि है ओवरराइड फोर्स डार्क मोड। तो जितने भी एप्लीकेशन है उन सभी में आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा। अगर आपको यहां से मैं दिखाऊं इसको डार्क मोड को यहां पे इनेबल करके जो कि शॉर्टकट में आपको देखने को मिलता है, तो देख लो यहां पे ये हो गया है। आपको यहां पे मैं दिखाता हूं अगर प्ले स्टोर सबसे पहले तो देख सकते हो प्ले स्टोर भी डार्क मोड में आ रहा है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन भी डार्क मोड में आपको देखने को मिलेगा, थीम्स एप्लीकेशन डार्क मोड में, गैलरी एप्लीकेशन डार्क मोड में, इवन अगर आपको फेसबुक दिखाऊं तो डार्क मोड में और इंस्टाग्राम दिखाऊं डार्क मोड में, तो सब चीज डार्क मोड में आपको यहां पे मिल जाएगा। आप उस ऑप्शन को इनेबल जैसे ही कर दोगे तो ये एक ऑप्शन आपको यहां पे काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो Android 10 का ये थोड़ा सा फायदा आपको यहां पे देखने को मिलता है। उसी के अलावा अगर हम नीचे चलें तो
लॉक स्क्रीन वगैरह में डबल टैप टू रेज वगैरह का ऑप्शन मिलता है, कुछ नया नहीं है। साउंड एंड सेटिंग्स में भी कुछ नया नहीं है, नोटिफिकेशन में भी कुछ नया नहीं है, होम स्क्रीन में चले तो यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है। आपको कोई भी स्वाइप अप करके ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे कि हर बार जानते हो कि अलग से आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से इंस्टॉल कर लो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन तो पुराने ही मिलते हैं। उसके अलावा वॉलपेपर थीम सब पुराना है, और बात करें पासवर्ड सिक्योरिटी लॉक फेस अनलॉक सब चीज़ पुरानी मिलती है। हालांकि थोड़ा सा फास्ट हो गया है, चाहे फेस अनलॉक हो चाहे हो आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला लॉक, बहुत ही फास्ट जैसे अच्छे से काम करता है वैसे करेगा। बैटरी सेवर में आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर वगैरह नहीं मिलता है, तो अभी तो भूल जाओ, अल्ट्रा बैटरी सेवर आई थिंक MIUI 12 में आपको ऑफिशियली मिलेगा, फिलहाल MIUI 11 में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन पुराने ही मिलते हैं। स्पेशल फीचर में गेम टर्बो और क्विक रिप्लाई एज यूजुअल आपको देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी कोई नया चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी कि कोई नई चीज़ आपके लिए आ गई है। तो ये सब चीज़ तो यहाँ पर रहती है। और इससे पहले हमको बग देखने को मिलता था जिसमें ऑटोमेटिक रीबूट हो रहा था कभी कभी, उसको भी सॉल्व कर दिया गया है, फिलहाल तो कोई रीबूट नहीं देखने को मिल रहा है। गैलरी के अंदर अगर चले तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स क्लिक करी हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे फिल्टर्स में देख सकते हो कि स्काई चेंजिंग वाला मोड भी आपको इसके अंदर ऑफिशियली देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लें कैमरा की, तो कैमरा में मुझे लगा है स्लाइट अपडेट फ्रंट कैमरा में, हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट कैमरा के पिक क्लिक करी है, ये लो लाइटिंग कंडीशन में है, इंडोर लाइटिंग में है, एक ही लाइट जल रही है, और देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है फ्रंट कैमरा के साथ। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लगी है। और देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर डिटेक्शन कितना मस्त हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो हेडफोन के साथ हेयर के साथ बहुत ही अच्छा एज डिटेक्शन आपको फ्रंट कैमरा में देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हालांकि यहाँ पे ये एयरफोन की वायर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, लेकिन काफ़ी अच्छी पिक ओवरऑल देखने को मिल रही है। लेकिन यही बात करें अगर बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा में यार एक इशू मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि ये इस तरीके से ओवर शार्पन कर दे रहा है पिक्चर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी यहाँ पे लग रही है। तो ये इशू अभी भी आपको देखने को मिलेगा, और ये कुछ इस तरीके की पिक निकल के आती है जो कि नहीं आनी चाहिए थी बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक। लेकिन आप देख सकते हो ओवर शार्पन कितने ज़्यादा कर दे रहा है, जो कि आपको ये देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें माइक्रो कैमरा की, तो बहुत ही अच्छा मैक्रो कैमरा कर दिया है यहाँ पे, देख सकते हो ये है मैक्रो कैमरा से मैंने क्लिक करी है, कितनी डिटेल्स पिक निकल के आ रही है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दमदार लगी। इवन ये लो लाइट में मैंने यहाँ पे पिक क्लिक करी है और बहुत अच्छी डिटेल के साथ आपको ये मिलती है, तो इसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है। उसके अलावा वीडियो मोड वगैरह सब चीज़ आपको सेम मिलती है। आपको यहाँ पे ये एक और आइकन मिलता है ब्यूटीफाई का, जो कि आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है, गर्ली टाइप कर दिया कि ब्यूटीफाई सिर्फ गर्ल लोग करते हैं। वाह यार, टिकटॉक नहीं देखा है क्या तुमने? तो यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से देखने को मिलता है, और ये पता नहीं क्यों आइकन चेंज हुआ है। और एक चीज़ और मुझे पता नहीं कि यहाँ पे है था पहले से कि नहीं, कि शॉर्ट मोड वीडियो में भी अब आपको अल्ट्रा वाइड वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, कि अल्ट्रा वाइड में भी आप शॉर्ट वीडियो में स्विच कर सकते हो। तो वीडियो वगैरह सेम चीज़ रहती है, स्लो मोशन हो गया, सब चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से वर्क करती हुई मिल जाती है। बस दिक्कत यहाँ पे ये आती है जब आप इसमें क्लिक करते हो, थोड़ा कभी कभी ओवर शार्पन कर देता है। 64 मेगापिक्सल वाला मोड देख सकते हो, ये इस तरीके से पिक काफ़ी फास्ट क्लिक हो रही है, कोई भी यहाँ पता ही नहीं चलता है कि प्रोसेसिंग में टाइम यहाँ पे लगा भी है कि नहीं लगा है। तो ये भी चीज़ एक कैमरा के लिए अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसी के अलावा यहाँ पे बात कर लें कि आपको गीक बेंच का स्कोर कितना मिलता है, और बहुत सारे लोग एंतुतु का भी जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूं यार एंतुतु को अभी गूगल ने ऑफिशियली रिमूव कर दिया है प्ले स्टोर से, तो वो गूगल पे नहीं मिलता है। आप कहोगे कि यार अलग से इंस्टॉल करके ज़रूर से लगा सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत करो, क्योंकि गूगल का भी कोई रीज़न रहा होगा कि उसने क्यों रिमूव करा, क्योंकि वो यार अच्छा नहीं है। तो इसलिए यार मैं एंतुतु को भी अब यूज नहीं करता हूं। यहां पे मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट करा था Geekbench को, जिसमें 398 समथिंग स्कोर आया था, जो कि कम था, पहले 450 के आसपास था, अभी 398 आपको सिंगल कोर का देखने को मिलता है। फिलहाल मैं स्क्रीनशॉट लेना उसका मैं भूल गया, लेकिन थोड़ा सा कम स्कोर आपको देखने को मिला है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड 9 वर्जन। बात कर लें यहां पे जो लोग गेमिंग के लिए आप इसको देखते हैं, तो गेमिंग के लिए मैं बता दूं तो गेमिंग मैंने यहां पे थोड़ी सी प्ले करी है, ज्यादा कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा है। जैसे स्मूथ परफॉर्मेंस आपको पहले देखने को मिलती थी, उसी तरीके से देखने को मिल रही है। पबजी गेमिंग में नोट 8 प्रो में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी है, और आप अच्छे से इसके अंदर HDR में प्ले कर सकते हो हाई सेटिंग में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे लगती है। और बात रही हीटिंग इशू की, तो यार गर्मी का मौसम है, हीट तो हो ही रहा है, फ़ोन चाहे कोई भी फ़ोन हो सब हीट हो रहा है, तो उसमें मैं यार ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पता है कमेंट में पूछेंगे कि बैटरी बैकअप कैसा है, तो मैं बैटरी बैकअप के लिए यार अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक ही दिन के अंदर ना आपका फ़ोन एडजस्ट नहीं हो पाता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो अभी आपने अपडेट करा है, बैटरी बैकअप के लिए आपको एक दो दिन इंतज़ार करना होगा कि किस तरीके का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको
दिखा दूं ग्राफिक्स में कि HDR अल्ट्रा में आप खेल सकते हो यार, इवन पोको F1 में आई थिंक मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप खेल सकते हो बिना GFX टूल के, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्मूथ में आप यहाँ पे एक्सट्रीम जा सकते हो, बैलेंस में नहीं जा सकते, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। और गेम प्ले अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं TDM का, क्योंकि मैं मोस्टली TDM ही खेलता हूं, तो बिना लैग के आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है वर्क करता हुआ। तो मुझे लगता है यार इस बार फाइनली ये अपडेट रोल आउट बहुत जल्दी हो जाएगा, फुली अगर आपके में नहीं आया तो आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम तो अभी फिलहाल मुझे कोई बग इसके अंदर ऐसा नहीं देखने को मिला, जो कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे लगती है। उसी के अलावा आप सेटिंग्स में भी और सारी चीज़ें देख सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन अगर आपको कोई MIUI 12 से रिलेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं तो उस पर मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से आप इंस्टॉल कर पाओगे MIUI 12 की एप्लीकेशन अपने MIUI 11 के अंदर। और एंड्रॉयड 10 है आपके पास अभी तो फिलहाल, तो आप एंड्रॉयड 10 में तो बहुत ज़्यादा ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। देख सकते हो क्या क्वालिटी आती है यार, बहुत ही अच्छा गेम प्ले मुझे लगता है रेडमी नोट 8 प्रो का। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ FPS कितना देखने को मिल रहा है, तो अभी स्टार्ट हुआ है तो 40-38 मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक मिनट और थोड़ा सा प्ले करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रन करते हुए कि कितना यहाँ पे FPS देखने को मिल रहा है। तो 40-42 आपको HDR में देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक यार बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है इसके अंदर, तो इम्प्रूवमेंट हुई है काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है, और धीरे धीरे आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं ज़रूर से आंसर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो में। और अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें आपको शेयर करा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एप डॉर नहीं है लेकिन स्मूथनेस काफ़ी अच्छी लग रही है, इवन एप वॉल्ट में देख सकते हो कोई भी ज़्यादा लैग नहीं आ रहा है। एप वॉल्ट वैसी घटिया है ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एड्स वगैरह नहीं गायब हुए हैं, एड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। टेक केयर, बाय।